क्योंकि 6 महीने की हो गई और उसका अन्नप्राशन होना है आज। और तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टेंट बना दूँ जिससे कि दोनों बच्चों को थोड़ा मज़ा आएगा। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ फूल मंगवाए और सुबह सुबह पहले तो इसे नहाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि निमी ने कुछ फूल लिए हैं कि पानी में दूध फूल केसर डाल के महारानी जी को नहाया जाएगा। सो कीकी के लिए पानी तैयार हो रहा है नहाने के लिए, सब कुछ तैयार है, महारानी जी पधार रही हैं, नानी उसे तैयार कर दी है। तैयार मतलब कुछ ज़्यादा ही पहना दिया उसे कमर में भी। चलो ठीक है आ जाओ कीकी। ये बात कीकी भी देख रही है पानी में क्या है, ऐसे तो मैं रोज नहीं नहाती। ठीक है आज अन्नप्राशन है तो थोड़ा सा स्पेशल कि पानी में फूल वूल डाल के, ये निम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा कोल्ड था कीकी को, सो थोड़ा सा पानी गुनगुना कर दिया था मैंने, मुझे भी कोल्ड था। कल ही गई थी मार्केट और थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा ढूंढ के 2-3 ड्रेस लाया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा पहनाऊँ कौन सा नहीं पहनाऊँ, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही पहनाया जाएगा। तो फिलहाल इस दोनों को नहीं, ये सबसे कंफर्टेबल था तो ये पहले पहनाया गया नहाने के बाद। लेकिन देख रहे हैं ना कि गला इतना बड़ा है इसका कि वो गिर रहा है, तो ऐसा लगा कि क्यों ना दूसरा पहनाया जाए। ये पहनाया और कीकी सो गई। सोने के बाद हमने सोचा फूल से थोड़ा डेकोरेट कर दिया जाए, लेकिन मुझे 6 भी लिखना था, लेकिन मैं 6 लिखना भूल गई क्योंकि निमी का मुंह फूल गया है। सारा अटेंशन कीकी को मिल रहा है जो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अच्छा नहीं भी लग रहा है। सो हम लोगों ने खट्टा मीठा नमकीन तीखा थोड़ा सा कुछ तरह के पकवान बनवाए और ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे फ्रूट्स ये सब सजाया गया वहाँ पे। और सब कुछ होने के बाद अभी भी कीकी सो ही रही है, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कीकी एक बार जगे तो फिर खिलाने का चीज़ शुरू करे। दादू चाचू सब आए हैं पहली बार कीकी को अन्न खिलाने के लिए। ये देख लो लड़की कैसे सो रही है, उठा दिया गया है, गोदी में भी सो रही है। और दिन ऐसा नहीं होता है, और दिन तो थोड़ी सी आवाज़ होती है और कीकी जग जाती है, लेकिन आज उसे जगाया जा रहा है फिर भी जगने का नाम नहीं है। अन्नप्राशन तो लिख दिया लेकिन ये अभी भी जग नहीं रही है, फिर भी दादू को बुला के कि दादू पहली बार उसे अन्न खिलाए, लेकिन वो दादू के गोदी में भी सो रही है। इतनी गोदी चेंज हो गई लेकिन फिर भी सो रही है, देखो लड़की को। ओ नानी हमेशा सजाती रहती है बिटिया रानी को, क्राउन कैसे भूल सकती है। फिर क्राउन लाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए निमी थोड़ा सा अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी कि हर कोई कीकी को ही प्यार कर रहा है, मुझे कोई नहीं कर रहा। लेकिन उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज उसका अन्नप्राशन है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं थी। दादू ने खिलाया, फिर नानी की बारी आई, नानी भी जल्दी जल्दी खिलाएगी, फिर सबकी बारी आएगी। आज पता नहीं कितना खाना पड़ेगा। खिलाने के साथ साथ थोड़ा सा फोटो सेशन भी, फोटोज भी लिए जा रहे हैं। ये देखो कीकी खा रही है कितने प्यार से, ओ मतलब गुल्लू पुल्लू, ये गुल्लू गुलाबी, अरे बाप रे, गप 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 गप। नानी ने सब कुछ टेस्ट करा दिया, खीर भी पूरी भी थोड़ा सब्जी भी मीठा नमकीन सब कुछ खट्टा। ये लो थोड़ा सा पनीर की सब्जी भी टेस्ट कर लो। उट्टू पुट्टू, अरे बाप रे, चतर पतर को देखो, चतर पतर रसगुल्ला आंवला सब कुछ मजा आ रहा है उसे। तो तुम्हें नहीं पसंद है ना वो खाड़ी, कोई बात नहीं। अब निम्मी को खुश करने के लिए मैंने बोला सबसे पहले मैं निम्मी को ही खिलाऊंगी, निम्मी का अन्नप्राशन करूंगी, वो तब जाके थोड़ा खुश हुई। कीकी ने क्राउन लगाया था तो निम्मी ने भी एक क्राउन निकाल के लगाया। मैंने पहले निम्मी को खिलाया, फिर जाके निम्मी थोड़ी खुश हुई, फिर जाके मैंने बोला कि अब कीकी की टर्न है, तो बोल रही है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कीकी को थोड़ा सा खिलाने की कोशिश की, निम्मी गोदी से उतरने को राजी नहीं थी।
अपनी में भी खिला ली। अच्छा वो खिलाई नहीं, खुद ही खा ली। अब चाचू की बारी है। देख नहीं रहे तो मैं ही देख लेती हूँ। चाचू भी थोड़ा सा खिला रहे हैं और फोटो सेशन। सब लोग खिलाया, उसके बाद रील्स बने। ये रही, अब थोड़ी सी खुश होती है। पापा इतना देर वेट नहीं कर पाए, पापा ऑफिस चले गए थे, सो उधर से आने के बाद पापा भी देखते खिलाएंगे फिर से, क्योंकि इतना सारा कुछ खा के सो गई है। और ये रहे, पापा भी ऑफिस से आ गए, क्योंकि भी जग गई। अब पापा भी प्यार से थोड़ा सा खीर खिलाएंगे और दीदी प्यार से खा भी लेती है। पलट गई, अब ताई जी खिलाएंगी, लेकिन इतना कुछ खाइए तो कुछ नहीं खाएगी। कीरी की खा रही है अभी जस्ट। अब ना खाएगी ये, अब इसका पेट भर चुका। सब ने एक चम्मच करके बहुत खिला दिया। फाइनली रात में हम लोगों ने केक भी मंगा के थोड़ा विदेशी स्टाइल में अन्नप्राशन को संपन्न किया और बहुत मजा आया। और जैसा सोचा था कि की बहुत इंजॉय करेगी, और सच में इसने किया। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।